क्यों धिक्कारे। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप जला दे क्यों धिक्कारे, दीप जला दे क्यों धिक्कारे, दीप जलाए दीप जलाए दीप जलाए। अच्छा देखो भैया, हम सब लोग रोज कुछ न कुछ तो काम करते ही हैं, हैं? अब जैसे मजदूर खेत में मजदूरी करते हैं, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनावत हैं और लोहार लोहे का बर्तन बनावत हैं, हैं? ये सब तो काम ही करते हैं ना, तो आज आओ देखें कि काम लिखा कैसे जाते हैं। सबसे पहले बनाओ आधा गोला, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र कई गतिविधियों का एक मंच है, जहां लगातार प्रतिभागी एक स्थान पर जमा होते हैं। गांव में उपलब्ध किसी जगह तथा रोशनी आदि का इस्तेमाल हम किस हद तक कर पाते हैं, आइए ये जानने के लिए चलें एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। हाँ तो भैया, अभी तक तो तुमका सबको हम अलग अलग एक एक अक्षर बताएं, अब आज मात्रा कैसे लगाई जाती है वो सब देखो। अच्छा। जैसे ये है ख, अब ये है दर, अब अगर ये आ की मात्रा यहाँ ख के आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगी खाद। खाद, खाद, खाद। की मात्रा लगायो सब, अब उसके आगे लिखो द, अब हो गया खाद। अरे कहाँ टीचर सने पहले चले आ रहे हैं अंदर, लगाओ भाषा। हम पहले कह रहे हैं कि स्कूल राम खिलावन के घर में लगाओ, मगर अब स्कूल इतनी दूर लगा लियो तो बस्तम कीचड़ भरा रहा, पैरन में लग गया तो क्या करी बताओ। चला चला बाहर बैठो। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा करो आज बैठ जाओ, अब कल से हम स्कूल कहीं अच्छी जगह लगा हुआ है। ठीक बैठो बैठो, चलो अच्छा वहाँ बैठ जाओ। हाँ तो लिखो, सब लिख लियो भैया खाद। हाँ गलत जगह केंद्र लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। केंद्र का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी को आने जाने में कोई कठिनाई न हो, यह काम सबकी सहमति से आसानी से किया जा सकता है। और यह है दा, अब इसके बीच में यानी कि ख के आगे अगर ये आ की मात्रा लगा दी जाए तो ये हो जाएगा खाद। अरे खाद, अरे अरे हमको भी पढ़ना है भैया। तो कैसे जियो कैसे जियो, आगे जगह पड़ी होगी, देर से आवत हो बीच में खाना चले जात हो। अरे बैठो बैठो बैठो। हाँ तो हम बता रहे हैं कि खाद लिखने के लिए पहले लिखो ख, अच्छा फिर इसके आगे लगाओ आ की मात्रा, देख लियो। और फिर हम आपको पढ़ाए कहा भाई, अगर पढ़ाए तो कहीं जो ऊपर बैठ के पढ़ियो, देखो जगह पर करती है। अरे जगह का पढ़िए पहले आवा करो, देख लियो। नहीं तो तुम ना पढ़ो, हम देखो जगह पर ही देखो तो जगह पर ही तुम्हारे पढ़ लो, हम जा रहे हैं। बात नहीं है, नहीं नहीं पढ़ लेंगे हम जा रहे। छोटे कमरे में इस तरह बिठाएंगे तो लोग तो जाएंगे ही, हाँ अगर इन्हें कुछ इस तरह बिठाएं तो और सुविधा होगी। देखो भैया चाचा तुम हो सुनो, ये पढ़ाई लिखाई जो हो ही रही है इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अपन नाम लिखे सीख लो, नाम लिखने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, इसको और आगे पढ़ना चाहिए। जैसे मानो कि खाली नाम लिखे सीख लियो,
इसी को हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। और यह देखो कि मानो को आदमी ऊपर लिखे है कि हम तुम्हार खेत अपने नाम कराए रहे। अब तुम तो आगे पढ़े हो नहीं, तो तुम का पढ़ पाई हो का कराए रहा, और तुम नीचे दस्तखत कह दी हो तो तुम्हार तो सारी जमीन जायदाद ओकरे नाम है। इसी को हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ह और ल, दोनों को मिला देने पर का हो जात है हल। अच्छा तुम सब तो जानते ही हो कि हल क्या होता है, है? इसका मतलब हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे हल हाँ खेत जोतते हैं। जानवर तो सभी को पालत हो है, तो अगर मान लो बैल को कौनो तकलीफ हो जाती है तो उसके लिए ओझा ओझा के पास नहीं जाए चाहिए। हाँ अब देखो रघू दादा गए रहे ओझा के पास ले की बैल, अब बैल मर गया इनका, यही नाते बैल का पहले लेके अस्पताल में जाओ। अच्छा अब देखो हम तुमका बता रहे हैं कि बैल लिखा कैसे जाते है। पहले ही लिखा ब, उसके बाद इसके ऊपर आय की मात्रा लगाई, लगा दिया है, उसके बाद लिखा ल, और दोनों को एक में मिला दिया तो ये हो गया बैल। केंद्र चाहे बाहर लगाए या किसी कमरे के भीतर, इस प्रकार कई तरीके से आप लोगों को बिठा सकते हैं। फिर जैसी आपकी जगह हो उसी के अनुसार बैठाने का तरीका आप अपना लीजिए। बैल बैल दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा रुको, दादा आपको दिखाई पड़ रहा है ना? अब नहीं, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, थोड़ा सा और बाहर लिखो बाद। अच्छा अब तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, अब सब लोग अपनी अपनी पटरी में लिखो। अक्षरों का आकार इतना बड़ा और स्पष्ट हो कि सबको दिखाई पड़े। अच्छा भैया अब आज आओ देखो कि चार अक्षर कैसे मिलाए जाते हैं। मास्टर साहब तनिक बगल हट जाओ, दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा रुको, अब वो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा रुको, हाँ अब दिखाई दे रहा। दिखाई दे दे मास्टर साहब। अच्छा तो ठीक है, यही देख देख तुम सब लिखो। अच्छा अच्छा भैया चाचा ध्यान से सुनो, आज हम सब नई चीज चलो सीखें, हैं? अब ध्यान से देखो एक काहे का चित्र है। अरे यहाँ से नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा रुको, हम वहीं ले आ रहे हैं। अब आपन आपन किताब का पहला पाठ खोल लो सब। अब हमारी तरफ देखो, ये काहे का चित्र है। हाँ ये अरहर है। अच्छा रघु काका आपकी साल तो अरहर खूब पैदा भाई होए। चार्ट ऐसी जगह टगा हो कि जब अनुदेशक बोर्ड पर लिखे तो भी वो दिखाई पड़े। हाँ अगर फिर भी प्रतिभागियों को कुछ कठिनाई हो तो अनुदेशक चार्ट को इस तरह भी दिखा सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड के पीछे इसको लगा लीजिए।
है? हाँ। खुरदुरी सतह पर बोर्ड टांगकर लिखने में कठिनाई तो होगी ही, उसका आसान तरीका ये है। बैठने के लिए प्रतिभागी अपने अपने घरों से टाट या बोरे के टुकड़े ला सकते हैं। बैठिया। लो, ठीक से साफ ही हो। लालटेनों की सफाई तथा रखरखाव में अनुदेशक प्रतिभागियों से सहयोग ले सकते हैं। लालटेन हमेशा सही हालत में रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा भैया, ये जो हम लिखे हैं ये तुम सबका दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा अच्छा रुको, अब तो दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं दिखाता है। अच्छा रुको, अब तो दिखाई पड़ रहा है। बोर्ड तथा चार्ट पर इतनी रोशनी पड़नी चाहिए कि सबको साफ साफ दिखाई दे। अच्छा देखो भैया, अब हम तुमका सबके खाद के बारे में बता रहे हैं। अच्छा। देखो खाद है ना, ऐसे खेत में तो चाहे जवन खाद डाल दो, बीज तो पैदा होबे करी और इससे फसल का पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हैं? लेकिन ज्यादा अच्छा तो ये हुई कि आप सब अपने खेत की मिट्टी ले जाए के। अरे कहाँ ले जा रहे हो? रखो ना, देख ले दो, तब तो बैठे हो तब नहीं देखो, और हम जब देखे हम तो तुम देखो, हम पढ़ नहीं रहे का, छोड़ो हम देख ले। अरे छोड़ो, हम का देख ले तो भैया। अरे भैया का नोटन की कर रहे हो, रखो इधर। अगर हम लालटेनों को इस प्रकार रखेंगे तो सबको रोशनी भला कैसे मिल सकती है? तुमका सबके हम बताए रहे कि चाहे जानवर हो, हां जैसे रघु दादन बताए ना कि उनका बैल बीमार हो गया तो ले गए ओझा के पास, तब तक वो खत्म हो गया। तो जानवर को ही नहीं आदमी को भी ओझा के पास नहीं ले जाना चाहिए, ये सब सिर्फ मन की शंका है। हाँ, अगर लालटेनों को कुछ इस तरह से रखा जाए तो सबको बराबर रोशनी मिल सकती है। फिर जैसा कमरे का आकार तथा जगह हो उसी हिसाब से लालटेनों को रख सकते हैं। लालटेनों को प्रतिभागियों के बीच कई तरह से रखा जा सकता है। केंद्र के बारे में कुछ और सूचनाएं भी इस प्रकार रख सकते हैं। शिक्षा केंद्रों के लिए गांव में आदर्श स्थान हर जगह मिल पाना कठिन है, पर जगह तथा रोशनी आदि की जो भी सुविधा हमारे पास है उसका उपयोग हम कई ढंग से कर सकते हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन्हीं सीमित सुविधाओं का भी हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जैसे उचित स्थान का चुनाव, लोगों को व्यवस्थित ढंग से बिठाना, रोशनी का सही उपयोग,
ब्लैक बोर्ड तथा चार्ट का सही उपयोग। ब्लैक बोर्ड तथा चार्ट पर सही रोशनी की व्यवस्था। केंद्र व्यवस्था में प्रतिभागियों का सहयोग। जगह तथा रोशनी आदि की जो भी सुविधा हमारे पास है उसका उपयोग हम कई ढंग से कर सकते हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन्हीं सीमित सुविधाओं का भी हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अंधकार को क्यों धिक्कारे, जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए जलाए, दीप जलाए।